अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो, तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। सच के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर नाइजीरिया से आ रही है। नाइजीरिया में एक मस्जिद में फायरिंग का वाक़या हुआ। एक हमलावर ने मस्जिद में फायर की। इस हमले में इमाम मोहतरम समेत 12 अफराद शहीद हुए हैं। हमलावर ने कुछ लोगों को अगवा भी किया है। हमले के वक़्त बताया जा रहा है कि हमले के वक़्त लोग नमाज अदा कर रहे थे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला एक गैंग ने किया। हमलावरों ने अगवा किए गए अहले खाना से पैसे मांगने का डिमांड भी किया है। इसके साथ ही लोगों से खेती बाड़ी की इजाजत लेने और प्रोटेक्शन फीस अदा करने को भी कहा गया है। हमलावर तावान का मुतालबा कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हमलावर हफ्ते की रात एक मस्जिद में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस हमले में मस्जिद के इमाम समेत 12 अफराद शहीद हुए हैं। कुछ हमलावर मोटरसाइकिल पर मस्जिद पहुंचे, अंदर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग डर गए, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। 12 अफराद को गोलियां लगी है और वो शहीद हुए हैं। इस वक्त मगरबी किनारे फलस्तीन से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हम लगातार इसराइल के आतंकवाद और इसराइली दरिंदों और इसराइली टेररिस्टों के वाकयात आपको सुनाते रहते हैं, मगर इसराइल के आतंकवाद को कोई भी इंटरनेशनल मीडिया बयान नहीं करता है, या बयान करता भी है तो इस तरीके से नहीं करता है। इस वक्त खबर आ रही कि मगरबी किनारे में महाजिर कैंप में इजरायली फौज के साथ झड़प हुई, जिसमें फिर एक फलस्तीनी शहीद हुआ है और 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। मगरबी किनारे में बैत लहम के जुनूब में वाक़ थेशा पनागजी कैंप में इजरायली फौज के साथ झड़प हुई, जिसमें एक नौजवान हलाक हुआ, 6 जख्मी हुए हैं। खबर रसा एजेंसी ने नामालूम सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि इजरायली फोर्स ने एक महाजिर कैंप पर अटैक किया, धावा बोला, कई घरों पर छापा मारा। सहयोनी आतंकवादी फौज ने हलाक होने वाले शख्स के भाई समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि झड़प शुरू होने के बाद इजरायली फौज ने बराह रास्त गोलियां, आंसू गैस और सौती बम बरसाए।
कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेजाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाए है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पर दर्द हो आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में, इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन, ईरान को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही। पहली बड़ी खबर तो जनाब ये आ रही है कि महसा अमीनी जो एक खातून है पुलिस हिरासत में जिसकी मौत हो गई थी, इसको लेकर अब 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं ईरान में बिल्कुल खून रेज मुजाहरे हो रहे हैं। सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं मगर एहतजाज आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो खबर ये आ रही है कि बुध के दिन यानी आइंदा कल तेहरान में रैली का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि ईरानी आवाम माशी बहरान से भी दो चार है जिससे उनके गुस्से में मजीद इजाफा हो रहा है। ईरानी हुकूमत का ये इकदाम मुल्क में बगावत को रोकने के लिए किया जा रहा है, यानी बाकायदा ईरानी हुकूमत पूरी तरीके से मुजाहिरीन को दबाने, कुचलने और रोकने की कोशिश कर रही है मगर हर तरह से नाकाम है। वहीं पर दूसरी खबर ईरान से ये भी आ रही है कि ईरान में 4 अफराद को फांसी दे दी गई। इल्जाम क्या था कि इसराइल खुफिया एजेंसी से रابطे में थे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने 4 अफराद को इजराइल के खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के इल्जाम में फांसी दे दी है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है वाशिंगटन से इसराइल को लेकर या नेतन्याहू की अगली हुकूमत को लेकर और इसराइल को लेकर। खबर कुछ इस तरीके से है कि अमरीकी वजीर खारिजा ब्लिंकन ने नेतन्याहू की अगली हुकूमत को नई बस्तियों के कयाम पर खबरदार किया। ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि वो इजरायली वजीर आजम याहू की अगली हुकूमत से मुतालिक फैसला इस हुकूमत के इकदाम को देखकर करेंगे कि किस तरीके से मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने इतवार के रोज वादा कर लिया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली बस्तियों या जमीनों को जम करने की मुखालफत जारी रखी जाएगी। इजरायली बस्तियों या जमीनों को जम करने की मुखालफत जारी रखी जाएगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर किसी भी ऐसे इकदाम की मुखालफत करते रहेंगे जो 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुंचाता हो। इसी तरह यहूदी बस्तियां आबाद करके इजरायली रियासत की तौसी की तरफ बढ़ने, मगरबी किनारे में मौजूद यहूदी बस्तियों का इलहाक करने, मुकद्दस मकामात की तारीखी हैसियत में तब्दीली, फलस्तीनियों की इमलाक की मिसमारी या फलस्तीनियों को बेदखल करने के इकदाम की मुखालफत जारी रहेगी। ऐसा अमरीकी वजीर खारिजा ने नेतन्याहू की हुकूमत को खबरदार किया है। आइए नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर लगातार हम आप तक खबरें पहुंचाते रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे आप जानते हैं कि जंग तबाही ही तबाही होती है, जंग से मसाइल हल नहीं होते हैं। अभी देखिए कितनी तबाही मची है यूक्रेन में। खबरें आ रही है यूक्रेन के 500 बड़े बड़े कस्बे गांव बिजली से महरूम हो गए हैं और खारकीफ सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है जिसने हालिया हफ्तों में कौमी पावर ग्रिड को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 500 से ज्यादा बड़े शहर बिजली से भी महरूम हो गए हैं। नायब वज़ीरे दाखला ने यूक्रेनी टीवी को बताया कि रूस मुल्क के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के 8 इलाकों में 507 बड़े गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। खारकीफ उनमें सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। हफ्ते के रोज यूक्रेन के हुक्काम ने एक बार फिर शहरियों से डिमांड किया कि वो हालात जिंदगी की खराबी के बावजूद साबित कदम रहें। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा टेलीविजन के जरिए से भी कि हमें साबित कदम रहना चाहिए। कई बार बिजली की बंद होने की वजह से लाखों यूक्रेनी बाशिंदे अंधेरे में डूब जाते हैं और शदीद सर्दी में रहने पर मजबूर होते हैं। बाज मकामात पर तो दर्जे हरारत कई दिनों तक इंजमात से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को काफी तकलीफों का सामना है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन?
क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।